आज मैं आप लोगों को एक बेसिक सा फैक्ट बताता हूँ। अगर आप लोगों के घर के बाथरूम में वॉश बेसिन है तो आप लोगों ने जरूर नोटिस किया होगा कि वॉश बेसिन में एक एक्स्ट्रा छोटा सा छेद होता है। क्या आपको पता है ये छेद क्यों दिया जाता है? ये वाला छेद तो पानी निकलने के लिए होता है और ये वाला छेद भी पानी निकलने के लिए होता है, लेकिन कैसे? मान लो जब भी कभी कचड़े की वजह से ये वाला छेद ब्लॉक हो जाता है और उसी समय अगर आप लोगों ने नल भी खुला छोड़ दिया तो पानी ओवरफ्लो होकर बाथरूम में और घर में ना फैले, इसीलिए सेफ्टी के लिए ये दूसरा छेद दिया जाता है ताकि पानी इस छेद से होता हुआ नली में चला जाए, क्योंकि ये छेद भी इसी छेद की तरह ही नीचे वाले पाइप से कनेक्टेड रहता है। वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।